नमस्कार दोस्तों, मैं राम प्रसाद वर्मा, ज्ञान दैनिक क्लासेज ऑनलाइन। तो आज हम पढ़ेंगे एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक अम्ल का भाग दो। भाग एक में हमने पढ़ा था एल्डिहाइड क्या है, कीटोन क्या है और कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या है। आज हम देखेंगे एल्डिहाइड और कीटोन बनाने की विधियाँ। तो आइए हम देखते हैं एल्डिहाइड और कीटोन बनाने की पहली विधि। तो एल्डिहाइड और कीटोन बनाने की पहली विधि है आपका एल्कोहल के ऑक्सीकरण से, एल्कोहल के ऑक्सीकरण से, ऑक्सीकरण से। तो आइए हम देखते हैं कि एल्कोहल के ऑक्सीकरण से हम एल्डिहाइड और कीटोन को कैसे बनाते हैं। देखिए, ये हमारे पास है एल्कोहल RCH2OH। ये क्या हमारे पास एल्कोहल है। इसको हम नवजात ऑक्सीजन के साथ इसको हम नवजात ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराएंगे, तब होगा क्या आपका, तब ये देगा RCHO। क्या देगा? RCHO देगा, अर्थात एल्डिहाइड देगा। साथ ही साथ यहाँ से H2O, मतलब ये इतना भाग बाहर चला जाएगा, तो यहाँ कर देंगे आप HOH, बाहर चले गए। उसी प्रकार आप देखिए, यहाँ पर हम लेंगे R R, मतलब 2 डिग्री या द्वितीयक एल्कोहल। क्या लेंगे? 2 डिग्री अथवा द्वितीयक एल्कोहल। अब आप 2 डिग्री या द्वितीयक एल्कोहल को लेते हो और किससे? नवजात ऑक्सीजन, नवजात ऑक्सीजन से क्रिया कराएंगे। तो आपने क्या किया, 2 डिग्री एल्कोहल को लिया या द्वितीयक एल्कोहल को लिया और इसे आपने ऑक्सीजन से क्रिया करा दिया। तो होगा क्या कि जल का अणु यहाँ से बाहर जाएगा, तो ये HOH के रूप में बाहर चला जाएगा। अब क्या होगा, यहाँ बनेगा आपका RCOR। क्या बनेगा? RCOR। तो हमने ये चीज़ देखा। अब हम एक बार इसकी परिभाषा को देखते हैं। हम कहेंगे जब प्राथमिक एल्कोहल को हम नवजात ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराते हैं तो जल का अणु बाहर निकल जाता है और एल्डिहाइड का निर्माण होता है। उसी प्रकार देखिए, यहाँ पर जब हम द्वितीयक एल्कोहल मतलब 2 डिग्री एल्कोहल को लेते हैं और नवजात ऑक्सीजन से, किससे? नवजात ऑक्सीजन से क्रिया कराते हैं तो जल का अणु बाहर हो जाता है और क्या बनता है, तब हमारे पास बन करके कीटोन तैयार होता है। आइए हम देखते हैं इसे समीकरण के रूप में। ये तो हमारी मॉडल अभिक्रियाएँ हैं। क्या हैं? ये हमारे पास मॉडल अभिक्रियाएँ हैं। आइए हम इसका समीकरण देखते हैं। तो समीकरण यहाँ मिलेगा आपको, समीकरण जो है यहाँ पर वो मिलेगा आपका RCH2, ऐसे मतलब मिलेगा CH3CH2OH, ये मिलेगा। उसके बाद देखिए, यहाँ पर आपको मिलेगा नवजात ऑक्सीजन से आप क्रिया कराएंगे तो ये बनाएगा आपका CH3CHO बनाएगा और जल का अणु यहाँ से बाहर चला जाएगा। CH3CHO बनाएगा और जल का अणु क्या होगा, बाहर चला जाएगा। तो हमने इस चीज़ को देखा। उसी प्रकार हम देखेंगे कि आगे क्या होता है, अगले रिएक्शन में क्या होगा। तो अगले रिएक्शन में होगा यहाँ पर CH3 और CH2, मतलब यहाँ पे CH है और यहाँ पे क्या होगा आपका CH3, मतलब हम लेंगे 2 डिग्री एल्कोहल को और यह है OH आपका। तो आप कहोगे ये 2 डिग्री एल्कोहल है। क्या है? 2 डिग्री एल्कोहल है। अब 2 डिग्री एल्कोहल को हम किससे क्रिया कराएंगे? हम 2 डिग्री एल्कोहल को क्रिया कराएंगे नवजात ऑक्सीजन से। किससे? नवजात ऑक्सीजन से। तो क्या होगा, जल का अणु यहाँ से बाहर चला जाएगा, जल का अणु यहाँ से बाहर चला जाएगा और बनेगा हमारे पास क्या, CH3CH3CH3CO बनेगा। क्या बनेगा? CH3CH3CO बनेगा। तो हमने देखा कि एथिल अल्कोहल को हमने किससे क्रिया कराया, ऑक्सीजन से क्रिया कराया तो हमें एल्डिहाइड प्राप्त हुआ, जल का अणु बाहर चला गया। उसी प्रकार हमने देखा यहाँ पर इस रिएक्शन में CH3CH3, मतलब ये द्विबंध के साथ जुड़ा हुआ है और ये है CHOH। एल्कोहल को मतलब दूसरी एक अल्कोहल को हमने ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीकरण कराया तो जल का अणु बाहर चला गया और क्या बना आपका, कीटोन बना। तो हमने इस रिएक्शन को देखा। अब हम देखेंगे इसके आगे, अगली जो विधि है वह है एल्कोहल के बिहाइड्रोजनीकरण से। किससे है? एल्कोहल के बिहाइड्रोजनीकरण से। तो हम दूसरा रिएक्शन जो देखेंगे
एल्कोहल के बिहाइड्रोजनी करण से, एल्कोहल के बिहाइड्रोजनी करण से। तो देखिए एल्डिहाइड और कीटोन को कैसे हम बनाते हैं, एल्कोहल के बिहाइड्रोजनी करण से। तो इसमें हम लेंगे, पहले एल्कोहल को लेंगे, आर सी एच टू ओ एच, मतलब ये क्या हमारे पास है, ये हमारे पास होगा एल्कोहल, ये है आर सी एच टू ओ एच, मतलब एल्कोहल है। इसे हम क्या करेंगे, कापर धातु पर, इसे हम कापर धातु पर 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर, कापर धातु पर 300 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर प्रवाहित करते हैं। तो पुनः ध्यान दीजिएगा, ये हमारे पास है प्राथमिक एल्कोहल, क्या है प्राथमिक एल्कोहल। प्राथमिक एल्कोहल को हम कापर धातु पर 300 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर प्रवाहित करते हैं। जब प्रवाहित करेंगे तो क्या होगा आपका, तब ये बनाएगा आर सी एच ओ, मतलब एल्डिहाइड को बनाएगा, क्या बनाएगा, एल्डिहाइड को बनाएगा। समझो आप, यहाँ से दो एच जो हैं ये बाहर जाएंगे, और तो आप कहोगे कि ये ऐसे एच टू के रूप में बाहर चला गया। तो एक बार देखिए, यहाँ पे है आर सी एच टू ओ एच है। अब होगा क्या कि ये एच टू आपका बाहर चला जाएगा, जब ये बाहर जाएगा तो बचेगा आपका आर सी एच ओ, तो आर सी एच ओ आपने लिख दिया और एच टू बाहर चले गए। तो आपने ये चीज़ देखा, परिभाषा आप कैसे देंगे, आप कहोगे जब एल्डिहाइड, जब एल्कोहल को हम कापर धातु पर 300 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर क्या करते हैं, गर्म करते हैं या प्रवाहित करते हैं, तो एल्डिहाइड बनता है, और क्या होता है आपका, और आपका हाइड्रोजन गैस बाहर निकल आती है। उसी प्रकार आप देखिए, ये हमारे पास है 2 डिग्री एल्कोहल, क्या है आपका 2 डिग्री एल्कोहल, ये क्या है 2 डिग्री एल्कोहल है। अब 2 डिग्री एल्कोहल को उसी प्रकार कापर धातु पर हम 300 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर प्रवाहित करते हैं। तो पुनः ध्यान दीजिए, 2 डिग्री एल्कोहल को कापर धातु पर 300 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर क्या करते हैं, प्रवाहित करते हैं। और ये प्रश्न बहुत बार आया हुआ है, क्या होता है जब कापर धातु पर जो इसका ताप 300 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, एल्कोहल को प्रवाहित करते हैं। तो देखिए ये होगा आपका आर आर और सी ओ, यहाँ क्या बनाएगा, सी ओ बनाएगा। अब देखिए, मतलब ये बना लिया कीटोन, और ये हाइड्रोजन गैस यहाँ से रिमूव हो जाती है, बाहर चली जाती है, ये चीज़ हमने देखा। आइए हम इसे समीकरण के रूप में देखते हैं। आप कहोगे सी एस थ्री सी एस टू ओ एच, क्या है सी एस थ्री सी एस टू ओ एच। अब कापर धातु पर इसे आप 300 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर प्रवाहित करोगे, तो ये क्या है आपका, ये है आपका एथिल एल्कोहल, क्या है एथिल एल्कोहल। तो एथिल एल्कोहल को कापर धातु पर 300 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर जब हम प्रवाहित करते हैं तो होगा क्या, तब आपका बनेगा सी एस थ्री सी एच ओ, क्या बनेगा सी एस थ्री सी एच ओ बनेगा, और क्या बाहर जाएगा यहाँ से, यहाँ से आपका बाहर जाएगा, तो बाहर जाएगा एच टू गैस बची है, यही एच टू गैस बाहर जाएगी, वैसे इसमें भी ये एच टू गैस बाहर गई है, तो हम कहेंगे यहाँ पे एच टू गैस बाहर चली गई। उसकी प्रकार मतलब उसको आपने देखा। अब देखिए अगला सी एस थ्री, ये कार्बन है सी एस थ्री, और यहाँ पे एच ओ एच, अथवा आप ऐसे कह सकते हैं कि यहाँ ओ एच लगा दीजिए और यहाँ एच लिख दीजिए। अब ये इतना बाहर चला जाएगा, ये इतना क्या होगा, बाहर चला जाएगा, और क्या बचेगा आपका, लेकिन आप किसकी उपस्थिति में करा रहे हैं एक बार देख लीजिएगा, कापर जिसका ताप है 300 डिग्री सेंटीग्रेड। अब आपने इस पे मतलब इसकी उपस्थिति पर या इसके साथ क्रिया कराया, तो बनेगा आपका सी एस थ्री सी एस थ्री सी ओ, साथ ही साथ एच टू गैस क्या होगी, बाहर चली जाएगी। तो आप कहोगे जब हम 2 डिग्री अथवा क्या नाम देंगे इसका, हम यहाँ पे नाम देंगे, मतलब कार्बन हमारे पास 3 है, इसलिए कहेंगे प्रोपिल एल्कोहल। प्रोपिल एल्कोहल को हम किसके साथ, प्रोपिल एल्कोहल को कापर धातु पर 300 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर प्रवाहित करते हैं, तो कीटोन प्राप्त होता है, क्या होता है कीटोन प्राप्त होता है, और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाती है। तो हमने इसको देखा। अब हम देखेंगे कि एल्डिहाइड और कीटोन बनाने की अगली विधि कौन सी है। तो एल्डिहाइड और कीटोन बनाने की जो अगली विधि है वह है क्यूमीन से। तो तीसरी जो विधि है आपकी, क्यूमीन
क्यूमीन से क्या है आपका, क्यूमीन से, क्यूमीन से क्या बनाएंगे, एसीटोन, एसीटोन। तो देखिए पहले हम एसीटोन मतलब कीटोन बनाएंगे, क्यूमीन को हम देखते हैं क्यूमीन क्या है। क्यूमीन हमारे पास एक रचना होती है जिसमें यहाँ पर क्या होता है, बेंजीन रहती है, और बेंजीन से क्या होता है, बेंजीन से यहाँ पर ये जुड़े रहेगा CH3, और यहाँ पर H रहेगा। अब यहाँ पर हमारे पास होगा कि ये जो रचना प्राप्त हुई है इसे हम कहते हैं क्यूमीन। तो हम देख रहे हैं कीटोन से, सॉरी, हम देख रहे हैं क्यूमीन से एसीटोन। तो ये हमारे पास जो रचना है, बेंजीन है, ये कार्बन है, यहाँ CH3 है, ये CH3 है, यहाँ पर H है। तो ये रचना पूरी कहलाती है क्यूमीन। यही रचना क्या होगी, पूरी क्यूमीन है। और क्यूमीन को हम ऑक्सीजन के साथ, ध्यान देना, क्यूमीन को हम ऑक्सीजन के साथ क्रिया करा रहे हैं। जब हम क्यूमीन को ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराते हैं तो एक मध्यवर्ती यौगिक प्राप्त होता है। क्या होता है, एक मध्यवर्ती यौगिक प्राप्त होता है। इस मध्यवर्ती यौगिक को पुनः तोड़ते हैं, पुनः खंडन करते हैं इसका, तो हमें फिनाल प्राप्त होता है और एसीटोन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, फिनाल और एसीटोन प्राप्त होता है। पुनः एक बार ध्यान दीजिए, ये हमारे पास है फिनाल। फिनाल को हम ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराते हैं, तो एक मध्यवर्ती यौगिक प्राप्त होता है। इस मध्यवर्ती यौगिक का मतलब जो ये प्राप्त हुआ है, इस मध्यवर्ती यौगिक का खंडन करने पर, हमें क्या प्राप्त होते हैं, हमें प्राप्त होता है आपका फिनाल, और क्या प्राप्त होता है, एसीटोन प्राप्त होता है। फिनाल और एसीटोन प्राप्त होता है। तो हमने इस अभिक्रिया को देखा। अब अगला हम देखते हैं एसिटिल क्लोराइड से क्या बनाएंगे हम, एसिटिल क्लोराइड से इस समय हम बनाएंगे एल्डिहाइड। तो एसिटिल क्लोराइड से जब हम एल्डिहाइड बनाते हैं तो उसमें हम लेंगे RCOCl, इसी को हम क्या कहते हैं, एसिटिल क्लोराइड, RCOCl नाम है एसिटिल क्लोराइड, और हाइड्रोजन के साथ इसे क्रिया करा देंगे। तो एसिटिल क्लोराइड को हाइड्रोजन के साथ हम क्रिया कराते हैं। ये हमारे पास है RCHO मतलब एल्डिहाइड है, ये क्या है आपका RCHO मतलब एल्डिहाइड है, और ये क्या है आपका HCl है। तो आप कहोगे जब एसिटिल क्लोराइड को हाइड्रोजन के साथ क्रिया कराते हैं, तो एल क्या बनेगा, RCHO मतलब एल्डिहाइड बनेगा, एल्डिहाइड बनता है, और क्या होगा, HCl बाहर निकल जाता है। तो हमने इसको देखा। उसी प्रकार देखिए, ये हमारे पास है CH3COCl एसिटिल क्लोराइड है, क्या है, एसिटिल क्लोराइड है, इसे आप हाइड्रोजन से क्रिया कराएंगे, किससे, H2 मतलब हाइड्रोजन से क्रिया कराएंगे, तो होगा क्या आपका, बनेगा यहाँ पर एसिटिल्डिहाइड, क्या बनेगा, यहाँ एल्डिहाइड बन रहा था, ध्यान देना, यहाँ पर एल्डिहाइड बन रहा था, ये बनेगा आपका एसिटिल्डिहाइड, और HCl बाहर निकल जाएगा। तो परिभाषा में आप कहोगे जब एसिटिल क्लोराइड को हाइड्रोजन के साथ क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, तब हमें एल्डिहाइड प्राप्त होता है, एल्डिहाइड प्राप्त होगा, HCl बाहर निकल जाएगा। तो हमने देखा एल्डिहाइड और कीटोन बनाने की तीसरी विधि को। अगला हम देखेंगे एल्डिहाइड और कीटोन बनाने की चौथी विधि कौन सी है। तो एल्डिहाइड और कीटोन बनाने की जो अगली विधि है वह है कार्बोक्सिलिक अम्लों के द्वारा। तो मतलब हम देखिए कार्बोक्सिलिक अम्लों से हम कैसे बनाएंगे एल्डिहाइड और कीटोन को। तो देखिए कार्बोक्सिलिक अम्लों से चौथी विधि है, क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्लों से। देखिए यहाँ पे कार्बोक्सिलिक अम्ल है पहला आपका, जो पहला सदस्य है वह है आपका फार्मिक अम्ल, क्या है, फार्मिक अम्ल। तो ये है हमारे पास HCOOH, और ये हमारे पास है क्या, HCOOH, ये हमारे पास क्या है, फार्मिक अम्ल है। दोनों कैसे हैं आपके, दोनों आपके वाष्प रूप में हैं। तो पुनः ध्यान देना, ये फार्मिक अम्ल है और ये फार्मिक अम्ल है। तो हीटिंग है आपकी
कार्बोक्सिलिक अम्लों से एल्डिहाइड और कीटोन बनाना, एल्डिहाइड और कीटोन बनाना। तो आइए हम देखते हैं कि इससे एल्डिहाइड और कीटोन कैसे बनते हैं। तो यहाँ पे देखिए आप, बनेगा आपका एच, भाई यहाँ पे कोई आर है नहीं, तो हम बनाएंगे यहाँ पे एच सी एच ओ। क्या बनाएंगे? एच सी एच ओ बनाएंगे। यहाँ से एच टू गैस, एच टू ओ बाहर निकल जाएगा जल, साथ ही साथ यहाँ से सी ओ टू बाहर जाएगी। तो रिएक्शन को पुनः एक बार समझें, आप कहेंगे जब फार्मिक अम्ल, ये आपका फार्मिक अम्ल है और ये भी क्या है? फार्मिक अम्ल है। जब फार्मिक अम्ल के दो अणु को आपस में क्रिया कराते हैं, जब फार्मिक अम्ल के दो अणु को आपस में क्रिया कराते हैं तो बनेगा आपका फार्मेल्डिहाइड, मतलब एस्टल्डिहाइड का ही सदस्य है, एल्डिहाइड का ही सदस्य है, लेकिन नाम है फार्मेल्डिहाइड। और जल बाहर निकल जाता है, साथ ही साथ CO2 गैस बाहर निकलती है, जल और CO2 गैस बाहर निकलती है। तो हमने इसको देखा। इसी प्रकार हम इसी में इसी से संबंधित देखते हैं CH3 हम देखेंगे, और उसके बाद क्या है C OH एस्टिक अम्ल, और ये भी आपका है CH3 COOH। तो हमने देखा एसिटिक अम्ल ये है और एसिटिक अम्ल ये है। तो आप कहोगे एसिटिक अम्ल के, एसिटिक अम्ल के दो अणु को, एसिटिक अम्ल के दो अणु को आपस में क्रिया कराते हैं तो क्या होता है? तो होगा आपका ये चीज़ कि ये बना लेगा आपका कीटोन। क्या बनाएगा? कीटोन ऐसे बना लेगा, ये आपका कीटोन बना लेता है। साथ ही साथ होगा क्या आपका कि H2O मतलब जल बाहर जाएगा, और क्या जाएगा, और आपकी CO2 गैस बाहर जाएगी। पुनः ध्यान दीजिए आप कहोगे ये क्या है आपका एसिटिक अम्ल है CH3 COOH। तो एसिटिक अम्ल के दो अणु को, एसिटिक अम्ल के दो अणु को आपस में क्रिया कराते हैं तो क्या होता है? एसीटोन अथवा कीटोन बनता है, एसीटोन अथवा कीटोन बनता है, CO2 गैस और जल बाहर निकल आता है। तो हमने देखा इस प्रकार हम कार्बोक्सिलिक अम्लों से क्या बनाते हैं? एल्डिहाइड और कीटोन को बनाते हैं। आइए हम देखते हैं कि एल्डिहाइड और कीटोन बनाने की अगली विधि कौन सी है। तो एल्डिहाइड और कीटोन बनाने की जो अगली विधि है वह है एल्काइनों से। तो आइए हम देखते हैं कि एल्काइनों से एल्डिहाइड और कीटोन कैसे बनते हैं, एल्काइनों से एल्डिहाइड और कीटोन कैसे बनते हैं। देखिए हमारे पास सबसे पहला जो एल्काइन है वह है, ये हमारे पास इसका नाम क्या है? एथाइन। क्या नाम है इसका? एथाइन। तो यहाँ पे एच है, कार्बन है, डबल बंद है, कार्बन है और क्या है? हाइड्रोजन है। इसे हम जल से क्रिया कराएंगे। किससे? जल से क्रिया कराएंगे। तो आप कहोगे जब एथाइन को जल से क्रिया कराते हैं, पुनः ध्यान देना, ये हमारे पास है C2H2, तो ये एथाइन हो गया, ये जल हो गया। जब एथाइन को हम जल से क्रिया कराएंगे तो ये क्या बनाएगा? CH3CHO बना लेगा। क्या बनाएगा? CH3CHO बनाएगा। तो एथाइन को जल से क्रिया कराया गया तो CH3CHO बना। क्या बना? एथाइन को जल से क्रिया कराया गया तो CH3CHO बना। अब हमने ये देखा। अब इसी प्रकार हम देखते हैं कि आपके कीटोन कैसे बनते हैं। तो कीटोन में होगा क्या, यहाँ पर एक एल्किल लग जाता है, यहाँ पर एक एल्किल लग जाएगा। तो ये हमने एल्किल को लगा दिया और यहाँ पे हाइड्रोजन को लगा दिया। तो यहाँ पे हाइड्रोजन है और यहाँ पर एल्किल है। अब इसे हम जल से क्रिया कराएंगे, लेकिन ये सदस्य पूरा क्या है? एल्काइन का है। किसका सदस्य है? ये एल्काइन का सदस्य है। जब हम क्रिया कराएंगे तो क्या बनाएगा? ये बनाएगा आर। उसके बाद यहाँ देखिए ये कार्बन है आपका, दो एच यहाँ से लगेगा, एक एच यहाँ से आएगा, तो ये बनाएगा CH3 और क्या बनाएगा? CO बनाएगा। तो हमने ये चीज़ देखा। एक बार इसे समझते हैं, कार्बन यहाँ पे हमारे पास दो बार है, हाइड्रोजन दो बार है, दो यहाँ चार बार। तो कार्बन हम देखते हैं यहाँ पे एक और दो बराबर है कार्बन की संख्या, हाइड्रोजन यहाँ पे चार बार, तीन एक चार हो गए। यहाँ पे देखिए कार्बन दो बार, तो कार्बन हमने देखा दो बार है। यच देखिए यहाँ पे मतलब हाइड्रोजन, ये हमारे पास है तीन बार, तो ये हमारे पास तीन बार हो गए। और आर है, एक ओ है मतलब ऑक्सीजन। तो हमने देखा ये एक आर है और एक ओ, मतलब यहाँ पे एक आर, यहाँ पर एक ऑक्सीजन है। तो हमने इस चीज़ को देखा।
एक बार संक्षेप में देखते हैं कि जब फार्मिक अम्ल के दो अणु को आपस में क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, फॉर्मल्डिहाइड बनेगा, CO2 गैस और जल बाहर जाएंगे, CO2 गैस और जल बाहर जाएंगे। उसी प्रकार एसिटिक अम्ल के दो अणु को आपस में क्रिया कराएंगे तो एसीटोन बनेगा, क्या बनेगा, एसीटोन बनेगा, CO2 गैस और जल बाहर जाएगा। तीसरा हम देखते हैं जब किसको, एल्काइन को हम या इथाइन को हम जल से क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, एसिटाल्डिहाइड बनता है। जब हम एल्काइन को जल से क्रिया कराते हैं तो क्या बनेगा आपका, एसिटाल्डिहाइड बनेगा। और ये भी हमारे पास क्या है, एल्काइन है, जल से क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, कीटोन बनेगा, क्योंकि यहाँ पे एल्किल मतलब आर लगा, आर मतलब एल्किल है, सी एस थ्री लगा है, तो इसलिए क्या बनाएगा, कीटोन की रचना को बनाएगा। तो हमने इस विधि को देखा, अब हम देखेंगे इसकी अगली विधि। तो एल्डिहाइड और कीटोन बनाने की जो अगली विधि है वह है आपका कार्बोक्सिलिक अम्लों के, कार्बोक्सिलिक अम्लों के कैल्शियम लवणों के शुष्क आसवन से। तो कैसे है आपका जो अगली विधि है वह है कार्बोक्सिलिक कार्बोक्सिलिक अम्लों के कैल्शियम लवणों द्वारा। तो देखिए कैल्शियम लवणों द्वारा कैसे क्या बनेगा, एल्डिहाइड और कीटोन का निर्माण कैसे होता है, तो हम देखेंगे कार्बोक्सिलिक अम्लों के कैल्शियम लवणों द्वारा एल्डिहाइड और कीटोन का निर्माण। तो पहले हम देखते हैं यहाँ पर इसको, मतलब पहले रिएक्शन को हम देखते हैं, ये हमारे पास क्या है, ये रचना हमारे पास जो प्राप्त है इसे हम नाम देते हैं कैल्शियम फार्मेट, क्या कहेंगे, कैल्शियम फार्मेट कहेंगे। और ये हमारे पास क्या है, ये भी कैल्शियम फार्मेट है, ये क्या हमारे पास है, कैल्शियम फार्मेट है। तो देखिए हमारे पास जो प्राप्त है ये है HCOO, ये कैल्शियम है। उसी प्रकार CA दो कार्बन है और बंध लगा हुआ है, COOH, ये तो मतलब कैल्शियम फार्मेट के दो अणु को, कैल्शियम फार्मेट के दो अणु को आपस में क्रिया कराते हैं या मान लीजिए गर्म करते हैं, कैल्शियम फार्मेट के दो अणु को हम आपस में गर्म करते हैं तो ये बनाता क्या है, ये आपका बनाएगा, यहाँ से इतना बाहर निकल जाएगा, 2CA बाहर चला जाएगा और यहाँ से CO3 यहाँ से बाहर चले जाएंगे, ये इतने बाहर चले जाएंगे, तो जाएगा क्या आपका 2CaCO3 बाहर चला जाएगा, 2CaCO3 बाहर चले जाएंगे। जब ये बाहर चले गए तो बचेगा क्या आपका, बचेगा 2HCHO, ये बचा आपका। तो आप कहोगे जब कैल्शियम फार्मेट के, जब कैल्शियम फार्मेट के दो अणु को गर्म करते हैं, जब कैल्शियम फार्मेट के दो अणु को गर्म करते हैं तो फॉर्मल्डिहाइड प्राप्त होता है, मतलब एसिटाल्डिहाइड का सदस्य प्राप्त होता है, किसका, एसिटाल्डिहाइड का सदस्य प्राप्त होता है, अर्थात फॉर्मल्डिहाइड और कैल्शियम कार्बोनेट बाहर चला जाता है, ये क्या है आपका, कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट बाहर चला जाता है। तो हमने इस चीज़ को देखा, आइए हम देखते हैं कि इस विधि द्वारा कीटोन कैसे बनता है। तो ये है CH3 COO Ca प्लस CA, फिर होगा आपका COCH3 COOCH3। अब इसका नाम क्या है, देखिए इसका नाम है आपका, इसका नाम था क्या, कैल्शियम फार्मेट, इसका नाम क्या था, कैल्शियम फार्मेट, इसका नाम है कैल्शियम एसीटेट, क्या नाम है आपका, कैल्शियम एसीटेट। तो हम कहेंगे जब कैल्शियम एसीटेट के दो अणु को, जब कैल्शियम एसीटेट के दो अणु को आपस में क्रिया कराते हैं या गर्म करते हैं तो क्या होगा, बनेगा आपका 2CH3, मतलब 2CH3 बनेगा CO प्लस, यहाँ क्या बनेगा, प्लस यहाँ पे 2CaCO3 बाहर चला जाएगा। पुनः ध्यान दीजिए, ये इतने यहाँ से बाहर जाएंगे, CO3 ऐसे जाएगा बाहर यहाँ से, और यहाँ से CO3 बाहर जाएगा, तो 2 मतलब दो बार है, CA कई बार है, दो बार, तो 2CA फिर CO3 बाहर चले गए। उसी प्रकार CH3
मतलब ये एक अणु बनाई CO के साथ, CH3 CH3, ये कितने अणु बनाएंगे आपके, ये भी आपके एक अणु बनाएंगे CO के साथ। तो हमने इस चीज़ को देखा, यहाँ पर CO3 बाहर निकल गया और यहाँ पर भी CO3 बाहर निकल गया। ध्यान देने योग्य बात है यहाँ पर है कि ये इतने बाहर जाएंगे और यहाँ पे कार्बन रहेगा, तो क्या बनाएगा आपका CO CH3, ये बनाएगा CH3। तो हमने इस चीज़ को देखा। अब हम देखते हैं एल्डिहाइड और कीटोन बनाने की अगली विधि को। अगली विधि देखिए कौन सी है, उसके पहले हम एक छोटा सा प्रश्न हल कर लेते हैं। प्रश्न है आपका, क्या होता है जब कैल्शियम एसीटेट और कैल्शियम फार्मेट के मिश्रण को गर्म करते हैं। तो हमारे पास ये क्या है, ये हमारे पास है कैल्शियम फार्मेट। प्रश्न ये है हमारा कि क्या होता है जब कैल्शियम एसीटेट और कैल्शियम फार्मेट के मिश्रण को गर्म करते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा है कैल्शियम फार्मेट के बारे में, और ये वाला हमारा है कैल्शियम एसीटेट। क्या है, कैल्शियम एसीटेट। तो प्रश्न पुनः देखिए, कैल्शियम फार्मेट को और कैल्शियम एसीटेट के मिश्रण को गर्म करते हैं तो क्या होता है, तो होगा आपका बनेगा 2HCHO। क्या बनेगा, 2HCHO बनेगा प्लस, सॉरी यहाँ पे एक बार है, ये बनेगा, उसके बाद बनेगा CH3CO CH3 बनाएगा प्लस 2CaCO3 बाहर चला जाएगा। तो आप कहोगे कैल्शियम फार्मेट कैल्शियम एसीटेट को जब गर्म करते हैं तो हमें प्राप्त होता है फार्मेल्डिहाइड और कीटोन, साथ ही साथ क्या बाहर जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट बाहर निकल जाते हैं। तो हमने इस चीज़ को देखा। अब देखते हैं एल्डिहाइड और कीटोन बनाने की जो अगली विधि थी उसके बारे में। तो अगली विधि जो है वह हमारे पास है किससे, एल्कीन द्वारा। किसके द्वारा है, एल्कीन द्वारा। ये हमारे पास क्या है, R और यहाँ पे द्विबंध, और यहाँ पे क्या होगा आपका, हाइड्रोजन जुड़ेगा। क्या जुड़ेगा, हाइड्रोजन। भाई कार्बन वैलेंस चार होती है, तो हमने चार करने के लिए यहाँ पर H को जोड़ दिया और इसे हमने R कर दिया। यहाँ तक समझ में आया होगा। अब देखिए इसके आगे कैसे परिवर्तन करेंगे, क्या बदलाव करेंगे कि हमारा एल्डिहाइड कीटोन बन जाए। तो देखिए इसमें होता क्या है आपका कि इसमें हम ऑक्सीजन को जोड़ देते हैं, क्या करते हैं, ऑक्सीजन को, या इसे हम कर देते हैं O2 को जोड़ देते हैं। तो अब क्या होगा, यहाँ पे देखिए हमारे पास R दो बार है, हम लिख लेंगे R, ऐसे लिख दीजिए आप R, और उसके बाद क्या है, कार्बन दो बार है हमारे पास है, कर लेंगे आप CO, क्या करेंगे आप CO, और यहाँ पे क्या करेंगे R। तो ये हमारे पास क्या बन गया, ये तो हमारे पास बन जाएंगे कीटोन। क्या बन जाएंगे, कीटोन। लेकिन हमारे पास ये रचना दो बार है ना, देखिए, तो इसलिए हमारे पास यही अणु बनेगा एक बार और, तो इसलिए हम यहाँ से दो से गुणा कर देते हैं। अब देखिए R हमारे पास कितनी बार हो गए, R यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे पास ये रचना बनेगी R यहाँ पे दो बार, R हमने देखा कि हमारे पास दो बार है, H दो बार, H भी हमारे पास दो बार है, कार्बन कितनी बार है, कार्बन यहाँ पे कुल दो बार है, यहाँ पे कार्बन दो बार है। तो हमने इस बारे मतलब इसके द्वारा हमने क्या बनाया, इसके द्वारा हमने बनाया एल्डिहाइड को। तो आप परिभाषा कहोगे कि जब किसको, एल्कीन को, जब एल्कीन को ऑक्सीजन के साथ, जब एल्कीन को ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है आपका, एल्डिहाइड बनता है। क्या बनेगा, एल्डिहाइड बनेगा। अब देखिए उसी प्रकार आप यहाँ पे अगला उदाहरण देखिए जिससे आपको अच्छा समझ में आ सकता है। यहाँ पे हमारे पास है R, R और ये कार्बन है, डबल बंध R, R, और ये क्या है आपका, इसे हम ऑक्सीजन से क्रिया कराएंगे। अब क्या होगा देखिए, यहाँ पे बनेगा आपका सबसे आसान है, जैसे आपका एल्डिहाइड बना वैसे यहाँ पे बनेगा कीटोन। ये हमने क्या बना लिया आपका, ये हमने बनाया कीटोन। तो पुनः ध्यान दीजिएगा आप, जब क्या है, एल्कीन के मतलब एल्कीन को ऑक्सीजन से क्रिया कराओगे तो क्या बनेगा, इसमें इसमें आपका बनेगा कीटोन बनेगा। क्या बनेगा, कीटोन बनेगा। आइए इनको हम समीकरण के द्वारा देख लेते हैं। जैसे पहले वाले को हम देखते हैं CH3CH और यहाँ पे होगा डबल बंध HCH3, मतलब इस समीकरण को हमने, इस वाले समीकरण को हमने यहाँ पे देख रहे हैं तोड़कर एल्किल का मान रख कर। तो ये O2 बनाएगा, उसके बाद देखिए अब होगा क्या, मतलब O2 से जुड़ेगा तो बनाएगा आपका जो यौगिक वो बनेगा 2CH3CO,
यच ये बनाएगा। उसी प्रकार आप देखिए इस यौगिक का हमारे पास क्या है, हमारे पास है सी एस थ्री, सी एस थ्री ऐसे हैं, उसके बाद हमारे पास क्या है डबल बंधित कार्बन है, और उसके बाद सी एस थ्री है, ऑक्सीजन से जुड़ रहा है। अब ये क्या होगा, ये बनाएगा पर टू सी एस थ्री और सी ओ को बनाएगा। तो ये मॉडल अभिक्रिया थी, हमने इस पर आधारित दोनों एल्किल के मान को बदलकर किया। अब आइए हम देखते हैं कि अगला कौन सा है, अगली विधि कौन है एल्डिहाइड और कीटोन बनाने की। तो देखिए देखिए एल्डिहाइड और कीटोन बनाने की जो लास्ट विधि है वह है जैम डाई हैलाइड के जल अपघटन से। किससे है, जैम डाई हैलाइड के जल अपघटन से। अब यहाँ पे देखेंगे प्रश्न उठता है जैम डाई हैलाइड क्या है। तो ये हमारे पास है जैम डाई हैलाइड क्या है, पहले हेडिंग बना लेते हैं जैम डाई हैलाइड, जैम डाई हैलाइड से, हैलाइड हैलाइड से एल्डिहाइड और कीटोन बनाएंगे। अब देखिए होगा क्या, आर कार्बन एच उसके बाद सीएल सीएल, ये क्या है आपका जैम डाई हैलाइड है। अब इसकी क्रिया हम कराएंगे टू के ओ एच, किसके साथ टू के ओ एच के साथ कराएंगे। तो होगा क्या आपका, यहाँ से टू के सी एल बाहर चले जाएंगे, क्या होगा टू के सी एल आपका बाहर चला जाएगा। जब टू के सी एल बाहर जाएगा तो कौन कौन बचेगा, बचेगा आर सी ओ एच, आर सी ओ एच बचेगा। साथ ही साथ यहाँ से भाई यहाँ क्या गया है, यहाँ गया है आपका टू के सी एल गया है और एच ओ एच बाहर गए हैं। तो आप कहोगे ये जैम डाई हैलाइड है, दो के यहाँ से निकला, दो सी एल निकला, ये बाहर चले गए। उसके बाद यहाँ पर क्या है, दो बार ओ एच है तो एक ऑक्सीजन यहाँ चला आया, तो क्या बना ये जल बाहर चला गया, बचा आपका आर सी ओ आर सी एच और यहाँ पे ओ लगा हुआ है। उसी प्रकार हम देखते हैं इसको मॉडल क्रिया के बाद रिएक्शन देखते हैं इसका। तो ये बनाएगा आपका सी एल सी एल प्लस टू के ओ एच। अब देखिए रिएक्शन हम कराएंगे तो होगा क्या आपका कि टू के सी एल बाहर चले जाएंगे और उसके बाद आपका एच टू ओ बाहर चला जाएगा, एच टू ओ बाहर जाएगा और ये बनाएगा हमारे पास क्या, ये बनाएगा आपका सी एस थ्री सी एच ओ, क्या बनाएगा सी एस थ्री सी एच ओ को बनाएगा। तो हमने इस विधि को देखा, अब हम देखेंगे कि इस विधि द्वारा हम कीटोन को कैसे बनाते हैं। देखिए हम इस विधि से कीटोन को कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास है आर, ये कार्बन है और ये हमारे पास क्या है आर है, जहाँ पे एच था वहाँ पे हमने क्या किया आर कर दिया है, और उसके बाद यहाँ पे सी एल और यहाँ सी एल। अब इसकी क्रिया कराएंगे टू के ओ एच के साथ, किसके साथ टू के ओ एच के साथ क्रिया कराएंगे। तो ये हमारे पास क्या है एच है, अब जब क्रिया कराएंगे तो क्या होगा टू के सी एल, मतलब ये इतने बाहर चले जाएंगे। तो लिखेंगे आप टू के सी एल, ये बाहर चले गए। उसके बाद क्या होता है, दो बार ओ एच है तो एक ओ को आप बाहर ऐसे निकाल दीजिए, मतलब ये आपको कीटोन बनाना है। जब कीटोन बनाना है तो वो बाहर चले गए, यहाँ से क्या बचा आपका जल बचा, एच ओ एच बचा। तो आप कहोगे जैम डाई हैलाइड को जब के ओ एस के साथ क्रिया कराते हैं तो कीटोन बना लेता है और के सी एल तथा जल बाहर निकल जाता है। उसी प्रकार आप देखिए इसका इसकी जो अभिक्रिया होती है उसके समीकरण को सी एस थ्री सी एस थ्री और यहाँ पे आपका है सी एल सी एल, टू के ओ एच से आप इसे क्रिया कराओ, किससे टू के ओ एच से क्रिया कराओ। तो क्या होगा आपका, यहाँ पर टू के सी एल बाहर चले जाएंगे, टू के सी एल बाहर चला जाएगा, एच ओ एच भी बाहर चला जाएगा। अब आपके पास क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा सी एस थ्री, यहाँ बचेगा सी एस थ्री। तो लिखोगे आप सी एस थ्री सी एस थ्री, उसके बाद हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे कार्बन है कार्बन को लिखेंगे और यहाँ पे क्या है ऑक्सीजन, तो हमने ऑक्सीजन को लगा दिया। तो हमने इस प्रकार देखा कि जैम डाई हैलाइड से एल्डिहाइड और कीटोन कैसे बनाए जाते हैं। तो आज हमने देखा एल्डिहाइड और कीटोन बनाने की विधियाँ। अब अगले भाग में हम पढ़ेंगे एल्डिहाइड और कीटोन के रासायनिक गुणधर्म और उसके भौतिक गुणधर्म उपयोग आदि के बारे में पढ़ेंगे। तो आज यहीं तक, नमस्कार, जय हिंद।